नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त निर्भय ठाकुर। तो आज फिर आ गया हूँ मैं एक नया ब्लॉग लेके, और आपने कल वाले ब्लॉग में देखा कि मैं आपको रात का व्यू दिखाया केदारनाथ का, और अब मैं आपको सुबह का व्यू दिखाता हूँ। सुबह इतना ज़्यादा रश है, रात को इतना रश है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा रश है, और आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन करवाता हूँ। और रात को जिसने दर्शन नहीं किए वो पिछले वाले ब्लॉग में देख लो रात वाले दर्शन, अब मैं आपको सुबह के दर्शन करा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा लाइन लगी है, करो लाइव दर्शन। डांट रहे हैं सबको। सबको केदारनाथ के दर्शन करवा दिए, बोलो केदारनाथ बाबा की जय। हम आपको भीम बलि उसके पत्थर के दर्शन करवाता हूँ। ये रहा वो भीम बलि पत्थर जिसने मंदिर को बचाया था। चले अभी केदारनाथ दर्शन कर लिया, हम जा रहे हैं भैरवाड़ी, भैरवा जाते हैं, हम केदारनाथ सूरज को दर्शन कर दिखा रहे हैं। कल हमने आपको रात को दिखाया था, कल अब हम सुबह वाले दिखा रहे हैं। चलो मैं जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते हैं कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी है, नहीं तो मनोकामना पूरी नहीं होती। भैरव घाटी चढ़ते चढ़ते भी इनकी बस हो गई, तो चले चढ़ते हो गया सर। अभी सुबह का टाइम है, सवेरे सवेरे ये हालत है। नीचे कैसे पहुँचेंगे फिर आ जाऊँगा।
मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ से केदारनाथ का। भैरव बाबा के मम्मा और हेलो गाइस, भैरव बाबा के दर्शन करके आ गए। चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। बाय बाय, टाटा, लव यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अच्छे से पसंद आया तो केदारनाथ का भोलेनाथ देखना, जा भोलेनाथ। बाय बाय, टाटा, लव यू, और ढेर सारा प्यार देना।